स्वामिन इति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। तो आज नित्यानंद प्रभु का आविर्भाव दिवस है। नित्यानंद प्रभु स्वयं बलराम बलदेव हैं, जैसे बताया गया है ब्रजेंद्र नंदन यही सची सुता होइलो सही बलराम होइलो निताई। जो ब्रजेंद्र नंदन है कृष्ण है ना, वही नंद बाबा के जो पुत्र है वही कौन है, सची सुता होइलो सही, वही कौन हुए हैं सची, चैतन्य महाप्रभु के पुत्र। चैतन्य महाप्रभु की माँ का नाम सची माता, तो वही सची माता के पुत्र चैतन्य महाप्रभु बलराम होइलो निताई। तो नित्यानंद प्रभु कौन है, बलराम जी ही नित्यानंद प्रभु हैं, है ना। तो जगह जगह इसका वर्णन आता है बलराम और बलदेव, है ना। बल माने पावर, स्ट्रेंथ, शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति, है ना। कोई कोई इसको बोलता है कि ये भौतिक शक्ति है ना, शारीरिक शक्ति। बलराम, बल माने शारीरिक शक्ति, तो लोग बोलते हैं कि तुम शक्तिशाली बनो तो आध्यात्मिक प्रगति हो सकती है, है ना। लेकिन आध्यात्मिक प्रगति कैसे होगी, वो लोग बोलते हैं कि खूब खाओ पियो, मीट मछली सब खाओ और खूब शक्तिशाली बनो तो जो है आध्यात्मिक प्रगति होगी, लेकिन वो सब बकवास है। बल माने आध्यात्मिक शक्ति। जिनको ये आध्यात्मिक शक्ति की जानकारी नहीं है वही भौतिक शक्ति के बारे में सोचते, है ना। अहंकार मत हो या निताई पद पाशरिया अस्त ये रे सत्य कोरी मानी, है ना। गीता में भी बताया गया अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हम इति मन्यते। विमूढ़ा, मूढ़ा माने जो मूर्ख लोग है, और विमूढ़ा माने जो विशेष रूप से मूर्ख है ना। तो वो लोगों को लगता है कि सब वो अपने शक्ति से कर रहे हैं, है ना। लेकिन नरोत्तम दास ठाकुर क्या कह रहे, अहंकार मत होइया, है ना, माया अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हम इति मन्यते। वो लोगों को क्या लगता है कि हम स्वतंत्र हैं, हम जो चाहे वो हम कर सकते हैं, ये इसे कहते हैं अहंकार विमूढ़ आत्मा। अहंकार की वजह से उसको लगता है कि वो जो चाहे वो कर सकते हैं, है ना। ये उनका अहंकार है, उनको लगता है हम स्वतंत्र हैं, हम अपने आप हर चीज़ की, हर समस्या का समाधान हम खुद निकाल सकते हैं, है ना। यही हमारे भौतिक कष्ट का कारण है कि हमें लग रहा है कि हम स्वतंत्र है, है ना। हम मूर्ख है, हम भ्रमित हैं, ये लोग नहीं समझ पा रहे, है ना। क्यों, आध्यात्मिक शक्ति नहीं है, आध्यात्मिक कृपा उनको नहीं मिली है। तो असली जो शक्ति है वो है आत्मा की शक्ति, आत्मा जो है वो शक्तिशाली है। क्यों, जो जब तक आत्मा है तब तक शरीर चलता है, आत्मा गई शरीर खत्म। जब तक इंसान जिंदा है वो बहुत पावरफुल होता है, है ना। ये जब जैसे मर गया आत्मा, शरीर छोड़ के गई, वो कुछ नहीं कर रहा, उसको आप, वो शरीर पड़ा हुआ है उसको आप जला देते हैं, मारते हैं, कुछ भी करते हैं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बिल्कुल भी विरोध नहीं करता, है ना। क्यों, कहाँ वो शक्ति, कहाँ गई वो शक्ति, तो चली गई वो शक्ति, तो आत्मा थी, है ना। वो शक्ति की वजह से शरीर चलता है, वो शक्ति वही शक्ति है जो बड़े से बड़े हाथी को भी चला रही है और चींटी को भी चला रही है, वही शक्ति, एक ही शक्ति है, है ना। तो प्रभुपाद जी कहते कि जैसे कार कोई सा भी हो, शक्ति तो पेट्रोल है, चाहे मर्सिडीज कार हो, चाहे रॉल्स रॉयस कार हो, चाहे कोई छोटा सा मारुति कार हो, अल्टो हो, लेकिन उसको चलाने वाला तो एक ही है, पेट्रोल। पेट्रोल वही है, सेम दाम,
वही पेट्रोल उसको चला, तो वो जो शक्ति है वो पेट्रोल है। तो इसको समझना है कि जो आत्मा है वो शरीर को चला रही है, और आध्यात्मिक शक्ति कहाँ से आती है? बलराम से। बल माने शक्ति, इसलिए हमें बलराम जी की शरण लेनी चाहिए। बलराम जी आध्यात्मिक शक्ति के स्रोत हैं, उनकी शरण हमें इसलिए लेना चाहिए। बलराम जो है वो गुरु तत्व है, बलराम माने गुरु तत्व है ना। तो गुरु कौन है? बलराम जी का प्रतिनिधि होते हैं। यस्य प्रसादात् भगवत प्रसाद, अगर हमें गुरु की कृपा मिल गई तो भगवान की कृपा मिलेगी, है ना। तो अगर हमें कृष्ण को प्राप्त करना है तो बलराम जी की कृपा जरूरी है, और अगर हमें चैतन्य महाप्रभु के बारे में जानना है, समझना है, चैतन्य महाप्रभु को समझना है, तो हमें बलराम जी की शरण लेनी पड़ेगी। नायम आत्मा बलहीनेन लभया, बलहीनेन लभया, ये शास्त्र कह रहा है। क्या? बलहीनेन, बिना बलराम जी की कृपा के हम कृष्ण को नहीं समझ सकते। और वही बलराम जी तो नित्यानंद प्रभु है, जिनका जन्मदिन है, जयंती है, आविर्भाव है, वही नित्यानंद प्रभु, वही बलराम, एक ही बात है। तो वही बलराम, शास्त्र कह रहे हैं, ब्रजेंद्र नंदन यही से सची सुता होइलो बलराम होइलो निताई, बलराम ही निताई हो गए हैं, इसलिए बलराम जी की शरण लेनी है। नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे, निताई पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल, अगर हम नित्यानंद प्रभु की शरण लेते हैं तो हमें शांति मिलेगी। कोटि चंद्र सुशीतल, जैसे दिन में बहुत गर्मी होती है, गर्मी के मौसम में दिन में बहुत गर्मी होती है, रात में जैसे ही चंद्रमा निकलता है तो शांति शीतलता आ जाती है ना। तो जो दिन भर की थकान है वो चंद्रमा की शीतलता से वो थकान चली जाती है। तो निताई पद कमल, जो नित्यानंद प्रभु के चरण कमल हैं उनकी छाया कैसी है? कोटि चंद्र सुशीतल, वो करोड़ों चंद्रमाओं की शीतलता के समान है। कोटि चंद्र सुशीतल, करोड़ करोड़ चंद्रमा की शीतलता के बराबर नित्यानंद प्रभु के चरण, भगवान के चरण कमलों की जो शीतलता है वो करोड़ों चंद्रमा के समान है। तो जिस तरह से दिन में जो गर्मी लग रही है वो चंद्रमा की शीतलता में खत्म हो जाती है, इसी तरीके से जो चंद्रमा है वो बहुत आनंद देता है, रात्रि में शीतलता बिखेरता है ना। मन की शांति अगर हमें चाहिए, अगर मन की शांति हमें चाहिए, क्योंकि मन ये भौतिक ताप, अध्यात्म, दैहिक, दैविक, भौतिक, इन तीनों तापों से मन बिल्कुल व्यथित हो गया है। तो ये जो मन इतना डिस्टर्ब है, व्यथित है, परेशान मन है, बिल्कुल थक गया है मन से, आदमी मानसिक रूप से थक जाता है व्यक्ति, इसलिए तो डिप्रेशन में आ जाता है। तो क्या करना है? भगवान के चरण कमल की शरण लेनी है। नित्यानंद प्रभु, बलराम, बलराम जी के चरणों की शरण लेना। क्यों? वो कैसे? कोटि चंद्र सुशीतल, करोड़ों चंद्रमाओं के बराबर वो आपको शीतलता देंगे। वो आध्यात्मिक शक्ति है, बिना आध्यात्मिक शक्ति के हम कृष्ण को नहीं प्राप्त कर सकते। अगर कोई व्यक्ति बहुत अच्छा वक्ता है ना, उसका मतलब नहीं कि वो सब कुछ अच्छे से जान रहा है ना। वो बुद्धि चाहिए, अगर बहुत अच्छी बुद्धि है, दिमाग ज्यादा है, तो वो कृष्ण को समझ जाएगा क्या? नहीं, कृष्ण को समझना इतना आसान नहीं है। दिमाग का जो हमारा बुद्धि है, ये बुद्धि से हम कृष्ण को नहीं समझ सकते। कैसे समझेंगे? नायम आत्मा प्रवचनेन लभयो न मेधया न बहुना श्रुतेन न मेधया। अगर कोई सोचे कि भैया मैं बहुत स्कॉलर हूं, यूनिवर्सिटी से डिग्री लेके आया हूं, इतनी बड़ी डिग्री ली है, अब मैं इस डिग्री की मदद से, ये कॉलेज के ज्ञान की वजह से मैं कृष्ण को समझ जाऊंगा,
तो ऐसा संभव है क्या? नहीं संभव, नॉट पॉसिबल। तो क्या करना चाहिए, कैसे समझ सकते कृष्ण को? समझने के लिए हमको चाहिए आध्यात्मिक शक्ति, और वो आध्यात्मिक शक्ति के स्रोत हैं बलराम। कृष्ण के जो प्रकाश विग्रह हैं वो हैं बलराम। भगवान कृष्ण स्वयं बलराम जी के द्वारा, बलराम के रूप में वो स्वयं प्रकट होते हैं। इसलिए हमें नित्यानंद प्रभु की शरण लेनी चाहिए। निताई पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल जे छाए जगत जुड़ाए। पूरा संसार दुखी है, कष्ट में है, शांति नहीं है। अगर हमें शांति चाहिए तो हमें भगवान नित्यानंद प्रभु के चरण की शरण लेनी पड़ेगी। हेनो निताई बिना भाई राधा कृष्ण पाईते नाई, दृढ़ कोरी धरो निताईर पाय। हमारा जो जीवन का मुख्य जो लक्ष्य है क्या है? भगवान के धाम जाना, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति करना, भगवत धाम को जाना और राधा कृष्ण की सेवा करना, है ना। मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया विषय खाइनु। नरोत्तम दास को दूसरे भजन में बोल रहे कि मनुष्य का जन्म पाया है और राधा कृष्ण का भजन नहीं कर रहे है तो क्या हुआ? जानिया सुनिया विषा खाइनू, जानबूझ के उसने क्या विष खाया हुआ है। तो जब तक हम राधा कृष्ण की शरण नहीं लेंगे तब तक हमें वास्तविक आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। अगर कोई व्यक्ति नाचना चाहता है, आनंद चाहता है, तो रूपा जी कहते हैं कि स्वतंत्र रूप से इंडिपेंडेंट होके मत करो। कैसे करो? कृष्ण के साथ नाचो। कृष्ण के साथ नाचने से आपको आनंद की प्राप्ति होगी, है कि नहीं? और अगर बिना कृष्ण के कोई नाचेगा तो वो दुखी होगा। जैसे हमारे मंदिर में लोग आते हैं, प्रसाद पाते हैं, है ना। हम पूरे विश्व में भगवत प्रसाद को बांटा जा रहा है, कृष्ण प्रसाद को बांट रहे हैं, लोग कृष्ण प्रसाद पा रहे हैं और यही सच्चा आनंद है। कृष्ण प्रसाद को प्राप्त करना सबसे सच्चा आनंद है। ऐसा तो है नहीं कि भाई हम अब इस्कॉन में आ गए हैं, भक्ति में आ गए तो हमने खाना पीना छोड़ दिया है, ऐसा तो है नहीं, है ना। हमने खाना पीना तो छोड़ा नहीं है। ये फालतू की फिलॉसफी से काम नहीं चलेगा। कृष्ण बड़ा दया माय करीब आ रे जीवा जाए, स्व प्रसाद अन्य दिलो भाई। पूरे विश्व में कृष्ण प्रसाद का वितरण चल रहा है, बांट रहे हैं कृष्ण प्रसाद, सब लोग कृष्ण प्रसाद आके आनंद से रह रहे हैं। तो हजारों हजारों लोग मंदिर में आके कृष्ण प्रसाद ले रहे हैं और हमें कोई दुख नहीं, कोई परेशानी। इतने लोग आ रहे हैं, कैसे खाना आएगा, कैसे आटा दाल आएगा, कोई दिक्कत नहीं, सब भगवान दे रहे हैं। लेकिन एक घर में, एक परिवार के अंदर कितने लोग हैं? 5 लोग, 8 लोग, ज्यादा से ज्यादा। लेकिन उनको दुख रहता है, खाने को कहाँ से आएगा। ये प्रैक्टिकल देखिए, मंदिर में रोज हजारों लोग आके फ्री में खा रहे, प्रसाद कृष्ण का प्राप्त कर रहे, लेकिन उनको कोई दिक्कत नहीं है, उनको कोई कष्ट नहीं हो रहा कि कल कैसे आएगा। लेकिन जो लोग, छोटा सा घर है, 7-8 लोग हैं, 5 लोग हैं, अभी तो 2-3-4 ही लोग होते हैं फैमिली में, उनको इतना कष्ट कि कल खाने को कहाँ से आएगा, क्या खाएंगे कल, है ना, इतना कष्ट। तो इस तरीके से जो ये कष्ट है यही दुख का कारण है। अगर जो व्यक्ति भगवान की शरण लेगा, नित्यानंद प्रभु की शरण लेगा, बलराम जी की शरण लेगा, उसको कोई कष्ट नहीं है, वो सब भगवान उसको देंगे। भौतिक जगत में दुख है, भौतिक लाइफ, भौतिक जीवन जीने में हमेशा इस बात का दुख है कि कल क्या होगा, परेशान है व्यक्ति। अगर जो भौतिक जीवन जी रहा है वो इस दुख को नहीं हटा सकता, हमेशा परेशान रहेगा। प्रहलाद महाराज ने क्या बताया, उनके प्रहलाद महाराज के पिता हिरण्यकश्यपु ने पूछा कि मेरे प्रिय पुत्र आपने स्कूल में क्या सीखा, तो वो बोल रहे हैं कि
मेरे प्रिय असुरवर्या तत् साधु मन्ये असुरवर्या देहिनाम, साधु मन्ये असुरों में जो श्रेष्ठ है, तत् साधु मन्ये असुरवर्या देहिनाम सदा समुद्विग्न, ये इंपॉर्टेंट है, सदा समुद्विग्न धियान असद्ग्रहात। हर व्यक्ति, पूरा संसार, होल ह्यूमन सोसाइटी इज सफरिंग, समुद्विग्न धियान असद्ग्रहात, सदा हमेशा सब लोग दुखी हैं, कोई बीमारी से, कुछ नहीं तो कम से कम एक बीमारी तो है ही। एक छोटा सा, एक छोटी चींटी ले लो, चाहे बड़ा से बड़ा हाथी, और चाहे किसी बड़े से बड़े देश का प्रेसिडेंट, और चाहे गली में घूमता हुआ भिखारी, उससे पूछो किस बात का तुम्हें दुख है, है ना, क्या कोई कष्ट है, क्या कोई दुखी है, दुख है, तो कोई भी ये नहीं कहेगा कि नहीं मेरे को कोई दुख नहीं है, मैं पूरा सुखी हूँ, कोई नहीं बोलेगा, चाहे वो कितना भी बड़ा राष्ट्रपति हो, कितना भी बड़ा भिखारी हो, कोई भी हो, उससे वो जो सुखी हो नहीं, उसको किसी ना किसी बात की एंजाइटी, किसी ना किसी बात की चिंता है, यही फैक्ट है। तो क्यों इतनी चिंता क्यों? तो प्रहलाद महाराज कहते हैं सदा समुद्विग्न धियाम असद्ग्रह, क्यों दुख है, क्यों चिंता में हम हैं, क्योंकि हमने क्या लिया हुआ है, असद वस्तु को धारण किया है, जो चीज है नहीं, जो गलत है, जो हमारे पास, जो कुछ भी हमारे पास है वो एक दिन जाएगा, ये शरीर भी एक दिन जाएगा, और यही इस जो चीज एक दिन जानी है, यही तो चक्कर है कि एक दिन ये चीज जानी है और उसको हमने पकड़ के रखा है कि ये नहीं जाएगी, और उससे लगाव रखा है, और यही हमारे दुख का कारण है कि हमें लग रहा है कहीं ये चली ना जाए, जबकि सब कुछ जाना है। ये भौतिक जगत में जब तक शरीर है तब तक हमको ये लग रहा है सब कि ये हमारा है, हमारा है, हमारा है। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि असली समाधान इस समस्या का क्या है कि ये जो भौतिक जीवन है इससे बाहर निकला जाए, यही सबसे बढ़िया मेरे विचार में। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि मेरे विचार में सबसे बढ़िया समाधान क्या है कि ये भौतिक बंधन है, जो भौतिक जीवन है, इससे बाहर निकला जाए, यही वैदिक नियम है, वैदिक शास्त्र क्या, वेद क्या बोल रहा है कि अस्तोमा सदगमे, अंधकार असत्य में मत रहो, भौतिक जीवन को छोड़ो, सदगमय कहाँ जाओ, सत्य की ओर बढ़ो। असली चीज क्या है, आध्यात्मिक जीवन, ना हन्यते हन्यमाने शरीरे। तो अगर हमें आध्यात्मिक आनंदमय जीवन, ब्लिसफुल लाइफ चाहिए, आनंदमय जीवन अगर हमें चाहिए तो क्या करना चाहिए, ये भौतिक जीवन से निकलना पड़ेगा। ये प्रहलाद महाराज का शिक्षा है, समुद्विग्न धियाम। अगर भौतिक जगत में बने रहेंगे तो हमेशा चिंता बनी रहेगी, दुख बना रहेगा, और कोई इसमें तरीका ही नहीं इससे निकलने का। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं हित्वात्म घातम गृहम अंधकूपम वनम वनम गतो यद धरिम आश्रयेता। असली समस्या क्या है, चिंता, दुख भौतिक जीवन में, और ये कब तक जाए रहेगी, चिंता कष्ट कब तक रहेंगे, जब तक ये भौतिक जीवन रहेगा। तो समाधान क्या है कि इस भौतिक जीवन से बाहर निकलो, हितात हितवात्म घातम, आत्मघातम मीन्स हम अपने आप को मार रहे हैं, आत्मा को मार रहे हैं, अपना पतन कर रहे हैं। ये जो भौतिक जीवन है, जो ये भौतिक जीवन आजकल जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है, ये क्या है, ये आत्मा को मार रही है, किलिंग द सोल। उनको आत्मा के बारे में जानकारी नहीं, तो उनको पता नहीं कैसे शांतिपूर्ण जीवन से जी सकते हैं हम लोग, कैसे आनंदमय जीवन में हम जी सकते हैं। पर वो सब कोशिश कर रहे हैं कि जीवन शांतिपूर्ण हो, जीवन आनंदमय हो, ऐसा वो लोग हमेशा कोशिश कर रहे हैं, वो आनंद में रहना चाहते हैं, है ना। बहिर अर्थ मानिना,
लेकिन कैसे आनंद में रहने की कोशिश कर रहे हैं, बहिरर्थ मानिना, भौतिक साधनों की वजह से। वो लोग सोचते हैं कि भौतिक साधन जो हैं, टीवी, गाड़ी, बंगला, कार, इन सब से हम शांति मिल जाएगी हमें, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना लेंगे, है ना। आजकल देखो कितना बड़ा बड़ा बिल्डिंग अपार्टमेंट, सैकड़ों सैकड़ों फ्लोर एक के ऊपर एक, बहुत ये सिविलाइजेशन का उन्नति तो हो रहा है, लेकिन वास्तव में देखें तो कोई उन्नति नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि कष्ट तो बढ़ रहे हैं ना, दुख तो बढ़ रहा है, चिंता तो बढ़ रहा है, बीमारी तो बढ़ रही है, और इस चिंता की, इस एंजाइटी का कोई इलाज नहीं है, कोई समाधान नहीं है, कोई ऐसा कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं है जहां पे वो लोग ये पढ़ा रहे हों। व्यासदेव ने श्रीमद् भागवतम लिखा छोटी सी कुटिया में, सारे पुराण लिखे एक छोटी सी कुटिया में बैठ के, तो वो एक यूनिवर्सिटी थी। क्यों? उस छोटी सी कुटिया में उन्होंने ऐसा ग्रंथ लिख दिया जो इस दुख इस कष्ट से हमें निकाल सकता है। तो ऐसा कौन कर सकता है आजकल? वो आज के समाज में ऐसा ग्रंथ कोई नहीं लिख सकता। किसी भी तरीके से श्रीमद् भागवतम को देखो, किसी भी दृष्टि से, शास्त्रीय रूप से देखो, सैद्धांतिक तौर पे देखो, परफेक्ट ग्रंथ है, परफेक्ट। किसी भी चीज से देखो, श्लोक देखो, लय देखो, उसका लिटरेचर देखो, हर चीज से परफेक्ट ग्रंथ। महाभारत, पुराण, वेदांत, वेद, वेद सूत्र, सब वेद व्यास ने दिया, कोई यूनिवर्सिटी की जरूरत नहीं, सब कुछ दे दिया। बट दिमाग में सफाई चाहिए। तो दिमाग में सफाई कैसे होगी? जब दिमाग साफ है, मन स्वच्छ है, तो ये शास्त्र का ज्ञान, भगवत गीता का ज्ञान, भागवतम का ज्ञान तब हम समझ पाएंगे। प्रभुपाद कह रहे समो दमो तितिक्षा अर्जवा ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावा। कौन आजकल ये शिक्षा दे रहा है? टेक्निकल एजुकेशन, टेक्निकल शिक्षा सब दे रहे हैं। कैसे जो है इंजीनियर बनना है, ये नहीं सॉल्व, ये जो भौतिक जीवन की जो समस्या है वो ये पढ़ाई नहीं सॉल्व नहीं कर पाएगी। असली समाधान चाहिए तो सबसे पहले क्या काम करना पड़ेगा? निताई पद कमल, नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों की शरण लेनी पड़ेगी, तब समाधान मिलेगा, तब शांति मिलेगी। कोटि चंद्र सुशील, तब हम जो है प्रसन्न होंगे, आनंदमय होंगे, और हमारा जो ये भौतिक ताप से जो हम व्यथित हैं, कष्ट में हैं, ये हम जैसे चंद्रमा की शीतलता से शांत हो जाता है, ऐसे जब नित्यानंद प्रभु के चरणों की जो शीतलता हमें प्राप्त होगी, तब हम इस भौतिक कष्ट से शांति पा पाएंगे। संबंध नाही जार वृथा जन्म गेलो तार। अगर हमारा नित्यानंद प्रभु से कोई संबंध नहीं बन पा रहा है, संबंध नाही जार, जिसका नित्यानंद प्रभु के साथ संबंध नहीं है, उसका क्या होगा? वृथा जन्म गेलो तार, उसका जीवन वृथा, उसका जीवन वेस्ट में चला गया, व्यर्थ में चला गया। क्यों? नित्यानंद प्रभु से तो संबंध बनाए नहीं। नित्य मीन्स हमेशा, ऑलवेज। आनंद मीन्स प्लेजर, आनंद माने आनंद, हमेशा। तो ये प्रभुपाद जी कहते हैं, इस तरह से आप दूसरा मीनिंग भी निकाल सकते हो कि अगर आपको नित्यानंद प्रभु, नित्य आनंद माने जो हमेशा आपको आनंद देंगे, और उन्हीं हमेशा आनंद देने वाले से आपने संबंध नहीं बना रखा, तो क्या होगा? जीवन व्यर्थ गया ना। सही संबंध ना ही जाए वृथा जन्म गेल होता है, वो व्यक्ति अपना जीवन वेस्ट कर रहा है बेकार में। और आगे कहते हैं नरोत्तम दास सागुर से पशु बोरो दुराचार। वो व्यक्ति कैसा है? जानवर है वो, बहुत। नरोत्तम दास सागुर ऐसा शब्द यूज कर रहे हैं, से पशु बड़ो दुराचार,
जो व्यक्ति नित्यानंद प्रभु से संबंध नहीं बनाया है वो क्या है? पशु से ही पशु, इज पशु माने जानवर है, वो व्यक्ति जानवर है जिसका नित्यानंद प्रभु से संबंध नहीं है, वो जानवर है, से ही पशु दुराचार, निरुत्तम दास ठाकुर कह रहे। तो जो जानवर है वो आनंद कैसे प्राप्त कर सकता है? उस जानवर के लिए आनंद संभव नहीं है। कुत्ता जो है, प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो कुत्ता है वो बचपन से खाने की तलाश में घूमता रहता है, कदर खाना किधर खाना ये ढूंढता रहता है, फूड कहाँ है, पर उसको हमेशा खाने का ही तलाश रहता है और खाना मिलता नहीं, कभी मिला कभी नहीं मिला। फिर वो जब तक कुत्ते को कोई मालिक ना मिल जाए, और वो गली का कुत्ता है, जब तक वो गली का कुत्ता है वो हमेशा दुखी है, ये गली में घूमेगा वो गली में घूमेगा, वो ही मारेगा ये मारेगा, कोई ना कोई उसको मारता पीटता रहेगा, उसको खाना नहीं मिलेगा, गली का कुत्ता है। और जब उसको मालिक मिल जाता है ना, तब जो है उसकी जीवन थोड़ा बहुत पीसफुल होता है। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि इसी तरीके से नित्यानंद प्रभु का कुत्ता हम बन जाएं, उनके दास, उनके कुकर, उनके कुत्ता हम बन जाएं, ये अच्छा है। क्यों? नित्यानंद प्रभु का कुत्ता बनने से हम लोग खुशी हो जाएंगे, आनंदमय हो जाएंगे। क्यों? वैसे भी तो हम कुत्ते का जीवन जी रहे हैं, कहीं माँ इसकी नौकरी, कहीं उसकी नौकरी, कहीं इसके बात मानो, घर में इसकी सुनो, बाहर उसकी सुनो, सबकी सुन सुन के दूसरे जो बोलते हैं वो काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? वो थोड़ा सा खाना देगा, थोड़ा सा पैसा देगा, सैलरी देगा, वो खाने से हमारा पेट भरेगा, ऐसा हम जो है दूसरों की गुलामी कर रहे हैं, है कि नहीं? तो कुत्ते का जीवन है कि नहीं? तो इससे अच्छा है कि ये भौतिक जीवन के जो कुत्ते बनने से, भौतिक लोगों का कुत्ता बनने से नित्यानंद प्रभु का कुत्ता बन जाए व्यक्ति। सब कोई जो है किसी ना किसी मालिक की तलाश में है, ढूंढ रहा है, लेकिन जॉब बदलते रहते हैं, एक मालिक से दूसरा मालिक बदलते रहते हैं, लेकिन संतुष्ट नहीं होते। क्यों? क्योंकि जो रियल जो मालिक है, जो वास्तविक जो हमारे मालिक हैं नित्यानंद प्रभु, उनकी शरण नहीं ले रहा है। जब नित्यानंद प्रभु की शरण लेंगे तब जाके फाइनली हम आनंद में हो पाएंगे। तो से पशु बोरो दुराचार, वो व्यक्ति नहीं जानता है आनंद क्या है, क्योंकि पशु है वो। तो किधर कुत्ता बने? भक्ति विनोद ठाकुर लिख रहे हैं, तोमार कुकुर बोलिया जानार मोरे, वैष्णव ठाकुर तोमार कुकुर बोलिया जान मोरे, कि ओ वैष्णव मुझे आप अपने कुत्ते के जैसे समझो, काइंडली एक्सेप्ट मी एज योर डॉग। मैं वैसे भी कुत्ते का जीवन जी रहा हूँ, माया का कुत्ता बना हुआ हूँ, अब मैं वैष्णव का कुत्ता बनना चाहता हूँ, तो आप मुझे अपनी शरण में स्वीकार करें। तो अगर कोई एक वैष्णव का कुत्ता बन जाता, छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तार पैचे केवा, अगर वैष्णव का कुत्ता नहीं बने हम, नित्यानंद प्रभु का कुत्ता नहीं बने, नित्यानंद प्रभु आदि गुरु हैं, तो अगर नित्यानंद प्रभु के कुत्ते हम नहीं बने तो आनंद का कोई सवाल ही नहीं उठता, हम प्रसन्न रह ही नहीं सकते, कोई प्रश्न ही नहीं है कि हमें आनंद शांति सुख मिलेगा। से संबंध नहीं यार वृथा जन्म गेल होता, से पशु बरो दुराचार, वो बड़ा वो क्या है, वो व्यक्ति पशु है, निताई ना बोली लो मुखे माजिला संसार सुखे, जो व्यक्ति नित्यानंद प्रभु से संबंधित नहीं है, उनको अपना मालिक नहीं मान रहा है, उनका दास नहीं बन रहा है, जो व्यक्ति जय निताई जय गौर नहीं बोल रहा है, माँ जी लो संसार सुखे, उसको क्या लगता है कि ये जो संसार है, समाज, ये प्रेम, ये मित्रता भौतिक जगत की, यही उसको सुख मानता है। तो उसको लगता है यही सबसे बड़ा सुख है, ये भौतिकता वाली जो भौतिकवादी जो लोग हैं वो ऐसे ही बोलते हैं, उनको यही सब सुख लगता है, ये संसार में सुख हो ही नहीं सकता, सुख हो ही नहीं सकता, लेकिन फिर भी उसको लग रहा है कि सुख है,
वो आकर्षित है सुख की वजह इस संसार की तरफ। माजिलो माजिलो संसार सुखे विद्या कुले की करीबे तार, ऐसा क्यों कर रहे हैं वो लोग, ऐसा क्यों समझ रहे हैं कि ये संसार में सुख है, जबकि संसार में सुख तो है नहीं। भगवान ने गीता में क्या, दुखालयम, ये संसार तो दुखों से बना भरा हुआ है, दुखालय है, पर उसको ऐसे क्यों लग रहा है कि संसार में सुख मिलेगा। अहंकार मत्त होइया निताई पद पसरिया असत येरे सत्य कोरी मानी, वो अहंकार में आ गया है, वो भौतिक जीवन में शारीरिक बंधन का जो अहंकार है, उसको लगता है मैं शरीर हूं, इसकी वजह से असत्य येरे सत्य कोरी मानी, हम ये जो शरीर है इस ये शरीर असत है, असत मानी एक दिन खत्म हो जाएगा, लेकिन इसको हम सच्चाई मान बैठे हैं कि हम यही शरीर हैं और ये हम कभी मरेंगे नहीं, ये कभी खत्म नहीं होगा, यही सब कुछ है। अहंकार मत होइया निताई पद पसरी, लेकिन अगर नित्यानंद प्रभु की शरण ले लेते हैं तो हमें जो है एनलाइटनमेंट, प्रकाश, जो ज्ञान हमें तब मिल जाएगा जब हम नित्यानंद प्रभु की शरण लेंगे। असत्येरे सत्य कोरी मानी निताएर करुणा होवे ब्रजे राधा कृष्ण पवे धरो निताई चरण दुकानी। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हैं कि जैसे आज नित्यानंद प्रभु का आविर्भाव है तो निताई पद कमल, एटलीस्ट उनके चरण कमलों को हम याद करें। निताई चरण सत्य तहार सेवक के नित्य, क्या है सच्चाई, क्या है हमारे जीवन की निताई चरण कि जो नित्यानंद प्रभु का दास है। निताएर चरण सत्य तहार सेवक नित्य, जो नित्यानंद प्रभु का दास बन गया है वो जो है आध्यात्मिक जीवन, एटर्नल लाइफ, नित्य जीवन उसको प्राप्त होगा। हम नित्य हैं, सनातन हैं, ममे वांसो जीव लोक जीव भूत सनातन, हम सनातन हैं, बट हम इस भौतिक भ्रम में आ गए हैं। जो हमने ये भौतिक जीवन से अपने आप को आइडेंटिफाई करना शुरू कर दिया है, हमें माया के भ्रम में हैं, भूत्वा भूत्वा प्रलेते तथा देहांतरा प्राप्तिर, क्या हो रहा है, बार बार इस भौतिक जगत में आ जा रहे हैं और समझ नहीं पा रहे हैं, एक जीवन से, एक शरीर से दूसरे शरीर में, लेकिन ये नहीं पता कौन सा शरीर मिलने वाला है। कोई वैज्ञानिक ये नहीं पता कर सकता कि किस इस जन्म के बाद अगला जन्म कौन सा मिलने वाला है। और भगवद गीता बिल्कुल यही शुरुआत की, यही भगवद गीता की शिक्षा है, लेकिन लोगों को अपनी यूनिवर्सिटी कॉलेज के ज्ञान पे इतना घमंड है कि वो भगवद गीता को कुछ नहीं समझते है? ये चल रहा है। तो निताई चरण सत्य तहार सेवक नित, निताई पद सदा करो आशा। इसलिए हमें हमेशा निताई पद कमल, नित्यानंद प्रभु के चरणों को पकड़ के उनकी शरण में रहना है। नरोत्तम बड़ो दुखी, नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हैं बहुत बड़े आचार्य हैं लेकिन फिर भी इस तरह से अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं विनम्रता पूर्वक, यही आचार्य का लक्षण है। मी इसका मतलब क्या हुआ कि वो दुखी नहीं है लेकिन वो अपने आप को दुखी बता रहे हैं विनम्रता पूर्वक, हमें शिक्षा दे रहे हैं कि हमें कैसे जो है कृपा की प्रार्थना करनी चाहिए, ये आचार्य का लक्षण है। वो आचार्य हैं, वो नरोत्तम दास ठाकुर इतने बड़े आचार्य हैं, वो कभी दुखी नहीं है, वो हमेशा आनंदमय है, लेकिन फिर भी वो साधारण व्यक्ति के जैसे हमें सिखाने के लिए ऐसे बोल रहे हैं कि नरोत्तम बड़ो दुखी। और हम लोग दुखी हैं तो जो इस संसार में बड़ा से बड़ा, प्रभुपाद जी कहते हैं कि नरोत्तम इस तरह से समझ सकते हैं कि जो इस संसार के जो लोग हैं उनमें जो कोई भी बड़ा श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पर्सन भी होगा तो वो भी दुखी रहेगा इस संसार में। नरोत्तम बड़ो दुखी निताई मोरे कोरो सुखी, और नित्यानंद प्रभु केवल हमको सुखी आनंदमय बना सकते हैं, अदरवाइज इसके अलावा और कोई रास्ता है नहीं। रखो रंग चरणेर पासा, अपने चरणों में हमें बनाए रखिए। जब तक नित्यानंद प्रभु का कृपा नहीं मिलेगा
निताई करुणा होवे ब्रजे राधा कृष्ण पावे धरो निताई चरण दुखानी। नित्यानंद प्रभु की कृपा होगी तभी ब्रज में राधा कृष्ण को प्राप्त कर पाएंगे, बिना नित्यानंद प्रभु के राधा कृष्ण को मिलना असंभव है। नरोत्तम दास निताई कृपा होवे ब्रजे राधा कृष्ण पावे, बिना निताई की कृपा के राधा कृष्ण को ब्रज में मिलना बहुत ही असंभव है, हो ही नहीं सकता, इसलिए निताई कृपा चाहिए। इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जो निताई जय गौर नहीं बोल रहा है उसका जीवन तो व्यर्थ हो गया। तो आज नित्यानंद प्रभु का आविर्भाव है, हमें नित्यानंद प्रभु से प्रार्थना करना चाहिए कि कृपया हमें अपने चरणों की शरण में रखें, चरणों की छाया में रखें। मैं बहुत दुखी हूँ, निताई मोरे करो सुखी, मैं बहुत दुखी हूँ। वो नित्यानंद प्रभु आप हमें आनंद प्रदान करें, सुखी करें। जब तक निताई पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल, जब तक निताई पद कमल नित्यानंद प्रभु के चरणों में नहीं जाएंगे शांति नहीं मिलेगी, आनंद में नहीं होंगे। यही जो है नित्यानंद प्रभु के चरण कमल ही परम आनंद प्राप्ति का स्रोत है, वही यही जो है सीक्रेट है और यही सच्चा आनंद है। थैंक यू वेरी मच। श्रील प्रभुपाद की जय। नित्यानंद प्रभु की जय।